मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को झारखंड की कांके विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा एवं छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा में सामाजिक संगठनों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आने वाला चुनाव इस बात के लिए है कि आपको अपने 30 त्यौहार मनाने की आज़ादी रहेगी या नहीं। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए तो कांग्रेस के किसी नेता ने अपना मुंह नहीं खोला, किसी ने नहीं कहा कि हिंदुओं का नरसंहार बंद होना चाहिए। ये वोट के भूखे कांग्रेसी और झामुमो नेता सिर्फ तुष्टिकरण जानते हैं। ये लोग झारखंड को भी बांग्लादेश बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं। बीते सालों में यहाँ हिंदुओं की आबादी में 7% की कमी आई है और आदिवासियों की जनसंख्या 40-41% से घटकर 28% रह गई है। कहाँ गए ये लोग? वास्तव में कांग्रेस और झामुमो के नेता सोची समझी योजना के तहत यहाँ घुसपैठियों को बसा रहे हैं और ये घुसपैठिए आपके मकान, दुकान और जमीन पर कब्जा करते जा रहे हैं। ये घुसपैठिए आपका हक मार रहे हैं और आपके बच्चों के लिए संकट खड़ा कर रहे हैं। ऋषि मुनियों की भूमि कश्मीर की कांग्रेस ने वोटों की खातिर जो हालत बनाई, वही हालत कल झारखंड की भी होगी। ये ईमानदारी और बेईमानी के बीच का चुनाव है। और एक तरफ ये कांग्रेस की पार्टी देखो, भूल से भी जितने नेता बनेंगे सब सोनिया गांधी के परिवार से ही बनेंगे। कितनी पीढ़ी हो गई, जवाहरलाल नेहरू है 17 साल सरकार चलाई, फिर इंदिरा गांधी आ गए, फिर उनके बाद उनका बेटा राजीव गांधी आ गया, अब राजीव गांधी गया तो सोनिया गांधी आ गए। अरे राजा महाराजा का जमाना है क्या? ये जनता अपने खून पसीने की मेहनत करके वोट देती है, राजा महाराजों का जमाना नहीं है। ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में गरीब आदमी को भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, आपकी धरती के भगवान बिरसा मुंडा, इनने अपनी शहादत किस बात के लिए दी? इस बात के लिए दी कि अंग्रेजों को भगाओ और देश में लोकतंत्र लाओ, देश का शासन देश के लोग चलाएंगे।